सोटेन श्रवण कुमार टक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनी, पद्मिनी कोल्हापुरे, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई है। फिल्म को कनाडा में कुस्नानी वेगने बारो और तेलुगु में तेनु मंसूलो को नाम से बनाया गया था। फिल्म की शुरुआत श्याम से होती है, जो अदालत में खड़ा है और अपनी कहानी सुना रहा है। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करने लगता है। वे राकू के पिता है, लेकिन उसकी सौतेली माँ रेणु और चचा सप्तलाल के सहयोग से शादी कर लेता है। उसे यह कहकर श्याम से शादी करने के लिए उकसाने की कोशिश करता है कि वह राकू से प्यार नहीं करता है, बल्कि वह प्राण के पैसे से प्यार करता है। इसके बावजूद वे शादी कर लेते हैं। शादी के बाद श्याम का गांव के पति जूनियर रेणु और संपतलाल को अपने रिश्ते में खुद को शर्मिला करने देता है। रेणु उसे यह कहकर 5 साल तक गर्भधारण रोकने के लिए ऑपरेशन करने के लिए उकसाई है कि गर्भावस्था उसके किंगर को बर्बाद कर सकती है। श्याम अनजाने में कोई सावधानी नहीं बरतता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोकू हमेशा के लिए गर्भधारण नहीं कर पाती है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आ जाती है। श्याम के कर्मचारी गोपाल की बेटी राधा श्याम के जीवन में आशा लाती है। सप्तराल राकू को विश्वास दिलाता है कि श्याम का राधा के साथ गुप्त संबंध है। राकू राधा और श्री गोपाल को आमंत्रित करती है और अपने पति के साथ संबंध रखने के लिए उसका अपमान करती है। श्री पान अपनी सारी संपत्ति रुक्मणी और श्याम को देकर मर जाते हैं और रेणु और सपतलाल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। श्याम और रुकू बिना तलाक के अलग अलग हो जाते हैं। सपतलाल राकू और श्याम को एक कारण के लिए राधा से किसी और से शादी करने के लिए कहता है, जिस पर राधा सकारात्मक उत्तर देती है। जल्दी वह अपने पति के बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसके पति को उस पर श्याम के बच्चों को जन्म देने का संदेह होता है। जल्दी पता चला कि राधा के पति की एक और पत्नी और 3 बच्चे है। यह जानने के बाद गोपाल ने राधा के पति को मार डाला और आत्महत्या कर ली और राधा के लिए एक पत्र छोड़ दिया, जिसमें बताया गया कि वह विधवा है। श्याम उसकी और उसकी बेटी की देखभाल करता है। यही कहानी श्याम पाठक रहा था समाप्त होती है। सपतलाल ने अगली सुनवाई तक श्याम को जेल भेजने की धमकी दी है। राकू श्याम को एक फोटो देता है, जिसमें श्याम और राधा का विवाह दिखाया गया है। श्याम को रेणु और सपतलाल की साजिश के खिलाफ एक सबूत मिलता है। राधा रुक्मणी को समझाने जाती है कि उसकी शादी श्याम से नहीं हुई है। वह बताती है कि वह श्याम की पूजा करती है और वह उसके लिए भगवान की तरह है। इसके बाद वह जहर खा लेती है। श्याम बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे कहती है कि वह भाग्यशाली है कि उसके चरणों में मर गई। और दाह संस्कार समारोह में रुक्मणी को अपने बच्चों की देखभाल करते हुए दिखाया गया है, जबकि श्याम उसका अंतिम संस्कार करता है।